वहीं प्रधानमंत्री की रैली को लेकर पूरे प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह है। लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो प्रदेश को इतनी सौगातें देने के बाद प्रदेश में आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। लोग 18 तारीख का इंतजार करने लग पड़े हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री ऐतिहासिक पटेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों ने अभी से ही अपने कामों को निपटाना शुरू कर दिया है, ताकि वह 18 अक्टूबर को बेफिक्र होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सके और उनके विचारों को सुन सके। लोगों ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए उनके द्वारा प्रदेश को दी गई सौगातों को लेकर उनका आभार जताया। देश तरक्की कर रहा है और ईमानदारी की सरकार दे रहा है, और पाकिस्तान को भी सब कुछ खा रहा है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी को बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं। तकरीबन मैं तो गांव का आदमी हूँ जी, गांव से आ रहा हूँ अभी। हमारे तो गांव में जितने भी औरतें हैं, बच्चे हैं, उन्होंने 4 दिन पहले से ही अपना काम कर दिया क्लोज के, हमने जल्दी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हमने मंडी जाना है। देखें हमारे जो गांव में आजकल औरतें व्यस्त होती घास कटाई के मौसम में, पर उन्होंने जो प्रोग्रेस है वो पहले ही करनी शुरू कर दी कि उस दिन तो हमने जाना ही जाना। मोदी जी आ रहे हैं मंडी में, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की, और हम तो बड़ी बेसब्री से 18 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब वो आएंगे मंडी में। हम उनका पूरे जोर शोर से स्वागत करेंगे। प्रगति उनकी व्यक्तित्व को देखने के लिए जो है ना, जो जैसे प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व है, जो अभी एक असल में एक बड़ा क्रिएटिव दिमाग वाले हैं, उसकी लोग आशावान है और उनको जो है ना उनका दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति जो है ना, उनसे आशा रखते हैं लोग, क्योंकि यहाँ का सुख दुख दर्द जो है सब कुछ वो जानते हैं, इसलिए लोगों को काफ़ी आशा है। बता दें कि छोटी काशी को प्रधानमंत्री के आगमन पर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 16 और 17 अक्टूबर को इन दो रातों में पूरी छोटी काशी रंग बिरंगी लाइटों के साथ चकमगाएगी। साथ ही छोटी काशी के सभी मंदिरों में हजारों की संख्या में दिए जलाए जाएंगे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।